हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं राज और यार आज हम लोग आए हैं इडिशिया फूड पार्क में यहाँ की कुछ स्पेशल डिश ट्राई करने के लिए। और यार ये एक ऐसा प्लेस है ना जो कि एक फूड कोर्ट है और इसके अंदर बहुत सारे फूड स्टॉल्स हैं जिसमें बहुत अच्छे अच्छे खाने को मिलता है। देखा हूँ मैं और मतलब इंस्टा में देखा था। ठीक है यार, चलो अंदर चलते हैं और कुछ कुछ स्पेशल ट्राई करेंगे और यहाँ का जो USP है ना वो भी चेक करेंगे कि क्या खास है यहाँ पे कि इस जगह का इतना नाम है। ठीक है, चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं। हाँ तो यार, अगर मैं एग्जैक्ट लोकेशन की बात करूँ तो इडिशिया फीस्ट पार्क है हमारा अवंती विहार शंकर नगर रायपुर में। रायपुर का ये एक बहुत ही प्राइम लोकेशन है, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, मरीन ड्राइव से 7 मिनट की दूरी, BTI ग्राउंड से 2 मिनट की दूरी और ATM चौक से तो लगा हुआ है हमारा इडिशिया फीस्ट पार्क। गूगल मैप का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। हाँ तो यार ये देख लो, सारा ही मेन्यू एक टेबल में रखा हुआ है और आपको जो भी यहाँ से पिक करना है आप लोग पिक कर सकते हो। हम लोग भी दे चुके हैं अपना ऑर्डर और ये बनना स्टार्ट हो चुका है हमारा सारे डिश। यार सभी डिश का प्रिपरेशन तो हम लोग नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि बहुत सारा है डिश है, कम से कम 5-6 डिश हम लोग ऑर्डर किए हैं और अगर सबका मैं प्रिपरेशन दिखाया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग भी देख के बोर हो जाओगे ज़्यादा लंबा वीडियो, इसलिए इसको शॉर्ट ही रखते हैं। पर ये देख लो, बहुत ही खूबसूरत दिख रही है डिश। हाँ तो यार ये लग चुका है हमारे प्लेट में खाना, प्लेट में नहीं बहुत सारे प्लेट में एक टेबल पर लगा हुआ है। तो ये देख लो, एक क्लोजअप शॉट देख लो आप लोग, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये हर एक डिश इसमें से और हर एक स्टॉल का स्पेशल स्पेशल डिश हम लोग मंगाए हैं। ये देख लो, कुछ कुछ तो ऐसा है जो आपको शायद बाकी जगह ना मिले। ये चॉकलेट डोसा मैं पहली बार देख रहा हूँ। ठीक है, और यार इनमें का ना ये देख लो, ये डिश जैसा है ना ये बहुत ही यूनिक लग रहा है मेरे को देख के। इसका प्रिपरेशन इतना बढ़िया लग रहा है ना, और जो भी कुछ अच्छा दिखता है ना तो उसको मेरे को बिगाड़ने में बहुत मज़ा आता है। तो ये देख लो। ये कर लिया अपन मिक्स इसको। अच्छा एक रह गया है, वो भी आ गया है। तो चलो अब करते हैं टेस्ट, ज़्यादा टाइम ना करते हुए। उतने नहीं पसंद होते हैं क्योंकि मेरे को थोड़ा चॉकलेट ना कड़वा लगता है। ठीक है, बट डोसा इज़ लव, बट डोसा इज़ लव, इसलिए हम लोग इसको आज पहले ट्राई कर रहे हैं। इसका जो बैटर था ना वो भी चॉकलेट ही था। तो इडिशिया फूड पार्क का पहला डिश हम लोग ट्राई कर रहे हैं जो कि चॉकलेट ही है डोसा के नाम पे। वैसे नाम ही इसका है चॉकलेट डोसा, तो चॉकलेट टाइप ही लगेगा। ये है हमारा फ्रेश वेज पिज्ज़ा। हाँ तो जी, 2 डिशेस हम लोग खा चुके हैं, अब लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक क्योंकि अपन डिस्कस करने वाला एक चीज़ वो है, अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो यहाँ पे अपना खुद का स्टॉल लगाने के लिए या फिर खुद का रेस्टोरेंट खोलने के लिए तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ के कॉन्टैक्ट करना है और आपको 500 रुपीज़ पर डे के वाइज आपको यहाँ पर रेंट पे करना है और कुछ भी नहीं, बस अपना किचन सेटअप लेके आना है, बाकी सब चीज़ यहाँ से प्रोवाइड करेंगे यहाँ के ओनर। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे आकर अपना खुद का सेटअप करना, अगर एक आप स्टार्टअप करना चाहते हो या फिर आप एक वेल सेटल्ड आपका बिजनेस है फिर भी एक स्टॉल यहाँ पे एक ब्रांच अपन लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ आके लगा सकते हैं, यहाँ पे आपको सब चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चलो अब वापस आते हैं अपने डिशेस में, टेस्टिंग में, उसके बाद कुछ देर बाद फिर कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये ऐसा लूप चलता रहेगा। काली चटनी, ये मेरे को देख के तो तीखा लग रहा है पर अब देखते हैं। ओ ये तो अच्छा दिखा था, चटनी बहुत तगड़ा था। इसको अगर आप लोग ना बनते ही तुरंत गर्मा गर्म खाओगे ना, इसको खा के आपका दिल खुश हो जाएगा।
ये मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है। अब खाते हैं अपन वो। फल्ली इसका टेस्ट बढ़ा दे रहा है। इसको मैं ना आराम से ना 3-4 पीस तो आराम से खा लूँगा। ये बहुत टेस्टी है। ये देख लो, ये सूखा भी दिया हुआ है। तो चलो इसी के साथ खाते हैं पहले। बहुत डिफरेंट है यार ये सब। ये इतना बैलेंस टेस्ट है ना इसमें। ओह बहुत सही, बहुत सही। हाँ तो यार ये है हमारा लास्ट डिश। बट इसको खाने से पहले अपन डिस्कस करते हैं इस प्लेस का एक और यूएसपी। यूएसपी अगर आप लोग को नहीं पता ना, वो होता है यूनिक सेलिंग पॉइंट, यूएसपी। ठीक है, ये रायपुर के एक प्राइम लोकेशन पे है। तेली बांधा से यानी कि मरीन ड्राइव से एकदम पास में ही लगा हुआ है और बीटीआई ग्राउंड से बहुत पास में लगा हुआ है। एग्जैक्ट लोकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। ये प्लेस ना यार एक आप फूड कोर्ट तो है ही, बट ये एक चौपाटी टाइप से है। बट यहाँ पे इतना ज़्यादा हाइजीन को मेंटेन किया गया ना, डेली यहाँ पे सैनिटाइज होता है पूरा प्लेस। और अंदर जो ये जो मेरे पीछे आप लोग हॉल देख रहे हो ना, बैंकेट हॉल, इस पर डेली सैनिटाइज किया जाता है। ठीक है, पूरे टेबल जो है ना वो प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखा गया है। मतलब पूरा ख्याल रखा गया है उसका, मेंटेन किया गया है। प्लस कुछ दिनों में इसमें बहुत ही यूनिक चीज़ आने वाला है यहाँ पे, वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा आप लोग को किसी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलो अब आते हैं वापस हमारे इस डिश पे। डिश पे ये मैं ना शाह और सा में हमेशा लटक जाता हूँ। ये आया हमारे भाजी पर। ये थोड़ा अलग किस्म का पाव भाजी है, डिफरेंट। ओ हो, पाव बहुत सॉफ्ट है, मतलब अच्छा सॉफ्ट है। चलो अब खाते हैं। टपक रहा। ये भाजी ना बड़ा टेस्ट है। इसमें चीज़ भी है, डेफिनेटली इसमें चीज़ भी है। बहुत बढ़िया। ये देख लो, ये हमारा फालूदा। इसमें ना भर के ड्राई फ्रूट्स डले हुए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यार बड़े यार, जबरदस्त। अगर आपको बिल्कुल थोड़ा सा भी अगर रबड़ी अच्छा लगता है, कुल्फी रबड़ी ये सब चीज़ अच्छा लगता है, तो यार अगर इसको टेस्ट नहीं किया ना तो पछता जाओगे आप लोग पक्का। परफेक्ट है यार, एकदम बेस्ट। पूरा सब चीज़ में ये मेरे को सबसे बेस्ट लगा। मैं तो बोला ही था, मैं तो खाली एक नंबर यार। तो यहाँ के मैं कुछ USPs बताता हूँ आपको, मेन USPs। यहाँ पे ये जो है ना, ये एक फूड कोर्ट है जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग स्टॉल्स हैं। करीब करीब 15-17 स्टॉल्स है। वेज और नॉनवेज दोनों का ही ऑप्शन है। वेज का एरिया पूरा अलग है, नॉनवेज का पूरा अलग है। हम लोग जैसे प्योर वेज हैं, हम लोग का पूरा एरिया ही अलग था। ठीक है, तो आप लोग वेज साइड से बहुत सारे डिश खाए थे आज, जैसे कि आप लोग देखे ही। और मल्टी क्यूजन रेस्टोरेंट है जैसा कि मैं आप लोग को बताया। ठीक है, इसमें बहुत सारे अलग अलग स्टॉल्स हैं, सबके अपने अपने स्पेशलिटी हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है ना कि एक ही चीज़ बहुत अलग अलग स्टॉल्स में, जैसे एक ही फूड दो स्टॉल में मिल रहा है, ऐसा नहीं है। एक अगर जैसे साउथ इंडियन है तो वो सिर्फ साउथ इंडियन का एक ही स्टॉल है यहाँ पे, सबसे मेन चीज़ है। जैसे आपका कुछ रहेगा ना तो वो आपका अकेला मोनोपोली रहेगा यहाँ पे। ठीक है, कि जो चीज़ मैं दे रहा हूँ वो चीज़ कोई और नहीं देगा। ये चीज़ सबसे बेस्ट है यहाँ पे, मेरे को सबसे बेस्ट लगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस यहाँ पर इटालियन, चाइनीज़, साउथ इंडियन और आप लोग जितना आपका लिस्ट है ना, वो सब चीज़ आपको मिल जाएगा यहाँ पे। इंडियन तो ऑफ कोर्स मिलेगा ही। इस प्लेस में एक आपको लॉन्ज मिलेगा, बैंकेट हॉल है, और भी मतलब आपके रिक्वायरमेंट के वाइज आपको वो सब चीज़ मिल जाएगा ना, जिससे आप एक अच्छा एनवायरनमेंट के साथ, मतलब एक पार्टी आप बुक कर सकते हो खुद का, या फिर आके चिल कर सकते हो। फ्रेंड के साथ आओ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ आओ, फैमिली के साथ आओ,
सब चीज़ के लिए अपना अपना अरेंजमेंट है यहाँ पे, बढ़िया सा माहौल मिलेगा। अभी तो हम लोग ओपन जगह पे बैठे हैं, बट आप लोग चाहो तो आप लोग अंदर भी जाके बैठ सकते हो। जैसे कि आप लोग को ये पीछे नज़र आ रहा होगा भाई, बहुत सुंदर प्लेस है ये, बहुत सुंदर, अंदर जाके देखा, बहुत बढ़िया प्लेस है। ठीक है, फिर यही था वीडियो में, देखने के लिए थैंक यू सो मच। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, यहाँ का एक डिटेल में वीडियो हम लोग कवर करेंगे यार, ठीक है, ज़रूर करेंगे, क्योंकि मेरे को तो कुछ कुछ डिश यहाँ के बहुत अच्छे लगे, वो सब मैं डिटेल में वीडियो बनाऊँगा, डोंट वरी। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना, और कमेंट सेक्शन में ये बता दो ना कि आप लोग को इतना सारा जो डिश खाया ना उसमें से सबसे बेस्ट क्या लगा। और ये जो आप लोग पीछे देख रहे हो ना, सुंदर सा यार, बहुत सुंदर यहाँ पे ये, ओवरऑल मेरे को यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया लगा, एकदम क्या बोलना चाहिए, लाइट से भरपूर और एकदम मतलब बहुत ही सुंदर सा माहौल लगा मेरे को यहाँ पे, और खाना भी बहुत बढ़िया था यहाँ का। ठीक है, तो चलो अब चलें, बहुत लंबा वीडियो बन चुका है, जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, सी यू सून, बाय 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 टाटा।